श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। आपका अपना YouTube चैनल है, आप हमेशा इस YouTube चैनल के माध्यम से उन कार्यक्रमों को देखते हैं जो शायद आपकी लाइफ के लिए बेहतर हो सकता है। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि आपके जीवन में जो लाभप्रद चीज़ें हो, जो आपको अच्छी परिस्थिति प्रदान करने वाली चीज़ें हैं, वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। आपसे बस यही निवेदन होता है कि खुद तो इसका लाभ उठाएं ही, दूसरों को भी निश्चित रूप से शेयर करें, दूसरों को भी भेजें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। हम चाहते हैं कि जितना अधिक लोगों तक लाभ पहुँचा सकें वो हमारे लिए बेहतर होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं 2020 में जो वृष राशि का प्रभाव है वो किस प्रकार रहने वाला है, वृष राशि के जो जातक हैं उनका जीवन किस प्रकार का रहने वाला है। सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि वृष राशि के जातक के बारे में थोड़ा सा जाना जाए। इनका नेचर बहुत अच्छा होता है, बहुत सॉफ्ट नेचर होता है, लोगों को हंसाने वाला नेचर होता है, परिस्थितियों को बहुत खुशनुमा रखने वाला नेचर होता है। वृष राशि का जातक या जातिका हमेशा इनका जो लुक होता है वो अट्रैक्टिव लुक होता है, क्योंकि वृष राशि शुक्र कृत राशि है और शुक्र ऐसो आराम पसंद प्लैनेट है, ऐसो आराम का कारक, लग्जरी लाइफ का कारक प्लैनेट माना जाता है। तो इसलिए आप लोगों का जो विचार होता है वो अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए, शांति से चीज़ें मिलनी चाहिए। बहुत ज़्यादा किसी को परेशान करके या किसी को दुखी करके आप कोई चीज़ प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, ये एक बेहतर नेचर आपका जरूर होता है। अगर हम 2020 की बात करते हैं कि 2020 कैसा रहने वाला है, सबसे पहले शनि का जो गोचर है, जो आपके कर्मेश हैं, वो आपके भाग्य स्थान पर गोचर करने वाले हैं। अभी तक शनि का गोचर आपकी राशि की अष्टम भाव के अंतर्गत था, इस वर्ष के दूसरे महीने के अंदर परिवर्तित हो जाएगा और आपके नवम भाव में चला जाएगा। अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर निश्चित रूप से बहुत पीड़ादायक होता है, लेकिन नवम भाव के अंतर्गत इसका प्रवेश निश्चित रूप से लाभप्रद होता है। लेकिन उसके साथ एक और परिवर्तन होने वाला है, बृहस्पति सप्तम भाव से परिवर्तित होकर के अष्टम भाव के अंतर्गत चले गए हैं। तो एक प्लैनेट, जो दो महत्वपूर्ण प्लैनेट हैं अगर वार्षिक गोचर की बात की जाए, शनि और उसके साथ बृहस्पति, राहु और केतु, इन चार प्लैनेट पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता होती है। आपके अगर कुंडली को उठा करके देखा जाए, अष्टम भावस्थ बृहस्पति और केतु का चांडाल योग कहीं ना कहीं विद्यमान हो गया है और शनि का नवम भाव में गोचर करना कर्मा धर्माधिपति योग को संचालित करता है। ऐसे कंडीशन के अंतर्गत कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से आपकी वृद्धि प्राप्त होगी, मानसिक शांति रहेगी, धार्मिकता में मन बहुत ज़्यादा लगेगा, धार्मिक यात्राओं का सुंदर योग भी आपका निश्चित रूप से बनेगा। खैर, घुटने इत्यादि की समस्या से इस वर्ष जरूर आप पीड़ित होने वाले हैं, घुटने इत्यादि में आपको जरूर प्रॉब्लम होने वाली है और घुटने की जो प्रॉब्लम है वो वायु से रिलेटेड है। यदि घुटने इत्यादि में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑपरेशन तक जाने से पहले आपका प्रयास होना चाहिए आयुर्वेदिक मेडिसिन को लिया जाए। अगर हम यहाँ पर ऑपरेशन इत्यादि के लिए जाते हैं तो शनि एक अच्छे रिजल्ट देने के लिए तैयार नहीं होता है। शनि की दृष्टि एकादश भाव के अंतर्गत होगी, सप्तम दृष्टि तीसरे भाव के अंतर्गत होगी और जो दशम दृष्टि होने वाली है वो छठे भाव के अंतर्गत कहीं ना कहीं जाकर के इस प्लैनेट की होने वाली है। अब इन दृष्टियों का जो वास्तविक महत्व होगा वो क्या होने वाला है। तृतीय दृष्टि एकादश भाव में जाकर के आपके जो बड़े भाई या बड़ी बहन हैं उनके लक को कहीं ना कहीं ब्लॉक करने के लिए तैयार है, उनके कार्य में दिक्कत देने के लिए तैयार है। आपके अंदर आलस्य उत्पन्न, क्योंकि तृतीय भाव में उसकी दृष्टि, तीसरा भाव प्राकर्म भाव है और तीसरे भाव में शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं आलस्य पैदा करने के लिए तैयार है। इसलिए आपको अपने आप को आलस्य से बचाना होगा। यदि आलस्य उत्पन्न होता है तो भाग्य वर्क नहीं करेगा। शनि का भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर के जाना ये कहता है कि ये वर्ष ऐसा है जब हमारा लग कहीं ना कहीं कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन यदि हमने आलस्य अपने जीवन में पाला तो ऐसी कंडीशन में शायद लक वर्क नहीं करेगा। इस वर्ष आपको और क्या ध्यान रखना है, छठे भाव में जो शनि की दृष्टि है वो निश्चित रूप से शत्रुता यदि होती है तो उसको बहुत लंबी आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो हमें इस वर्ष ये ध्यान रखना है कि कभी भी लड़ाई झगड़े को अवॉइड करने की कोशिश करना है, किसी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहने का प्रयास नहीं करना है।
वर्ष के स्टार्ट में वर्ष के स्टार्टिंग में आपका स्वास्थ्य ढीला रहेगा, स्वास्थ्य की समस्याओं से लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। वर्ष के मध्य में जाकर के आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा और फिर वर्ष के अंत तक आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रहेगा। समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा इस वर्ष आपको प्राप्त होने वाली है। खैर, कुछ चीज़ों पर गलत लांछन आपके ऊपर जरूर लगेगा, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपने जो कार्य किया है या आपने जो कार्य नहीं किया है। कारण ऐसी कंडीशन में जो कार्य आपने नहीं किया है उसका विशेष लांछन ऐसी परिस्थितियों में आपको लगता है। तो कोई भी कार्य करें, सोच समझ करके करें और अपनी राय इस वर्ष बहुत ज़्यादा किसी को ना दें। अपनी राय यदि इस वर्ष ज़्यादा किसी को देते हैं तो निश्चित रूप से आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं वर्ष के स्टार्टिंग में, जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, फॉरेन ट्रैवल के लिए बहुत अच्छे हैं। इन 3 महीनों में अगर प्रयास किया जाएगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने मकान की प्राप्ति के लिए या वाहन लेने के लिए आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। इन महीनों में मकान या वाहन के लिए प्रयास करना चाहते हैं जरूर करें। मार्च और अप्रैल, 2 महीना यदि जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, इन महीनों में आप जॉब चेंज कर सकते हैं। लास्ट में अगर उठा करके देखा जाए, दिसंबर, नवंबर और दिसंबर जो 2 महीना है, ये आपके व्यापारिक प्रारंभ करने के लिए, व्यापार के प्रारंभ के लिए या व्यापार की प्लानिंग के लिए बहुत बेहतर होंगे। अगर व्यापार प्रारंभ करना है या व्यापार की कोई प्लानिंग करनी है तो इन महीनों में किया जाए, मुझे लगता है सबसे बेहतर होगा। एक ऐसा उपाय जो पूरे वर्ष आप करें और आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो, वो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हर मंगलवार को लाल फल लेकर के भगवान हनुमान जी को जाकर के अर्पण करना है और हनुमान चालीसा के अंतर्गत एक बहुत सुंदर दोहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि बृहस्पति केतु के साथ पीड़ित होने पर बुद्धि हमारी ब्लॉक कर देता है। पदशा दोहा है, बुद्धि ही न तनु जाने के सुमिरहूँ पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या दे हूँ वही हरहूँ कलेश विकार। रोज इस दोहे का 5 बार पाठ कर लीजिएगा, आपका जो वर्ष है वो बहुत सुंदर व्यतीत होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम को खुद तो देखें ही, औरों को भी जरूर भेजें ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो पाएं और लोग इसका फायदा उठा पाएं। और अगर किसी का जीवन बेहतर होता है तो निश्चित रूप से उसका जो फल है, जो भाग्य है, वो आपको प्राप्त होता है और आपका जीवन बेहतर होता है। आज के कार्यक्रम में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।